नमस्कार, आप लोग बुलेटिन देख रहे हैं। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड ने 26 से 28 जून के बीच होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET को अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दिया है। बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि परीक्षा की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। बताते चले कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB ने शनिवार को अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2024 को स्थगित कर दिया है। बिहार TET 2024 मूल रूप से राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 26 जून से 28 जून तक आयोजित होने वाला था। बता दें कि बोर्ड ने कहा है कि बिहार TET संशोधित परीक्षा तिथियों की घोषणा बाद में आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार TET परीक्षा स्थगित क्यों की गई है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि TET को स्थगित करने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि दो परीक्षाएं एक ही तारीख पर टकरा रही थीं। बिहार लोक सेवा आयोग ने 28 और 29 जून 2024 को हेडमास्टरों की भर्ती के लिए परीक्षा भी निर्धारित की है। UPSC ने एक्स अकाउंट पर कहा है कि बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के संदर्भ में स्थानीय निकाय शिक्षकों की योग्यता परीक्षा 2024 द्वितीय में उपस्थित होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 26/6/2024 से 28/6/2024 तक दोनों पालियों में आयोजित होने वाली दक्षता परीक्षा 2024 द्वितीय अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। उक्त परीक्षा के आयोजन की तारीख बाद में प्रकाशित की जाएगी। बताते चले कि नियोजित शिक्षकों को इस परीक्षा को पास करने के बाद ही राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलता है, जो बिहार के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उम्मीदवार को पढ़ाने के लिए आवश्यक है। लोकल बुलेटिन के लिए पटना से उद्धव कृष्ण की रिपोर्ट।